हेलो गाइस, मेरा नाम है नमन। वेलकम टू माय चैनल नमन टॉक्स। सो आज हम बात करने वाले कुछ बढ़िया डेल के लैपटॉप्स के बारे में, जो कि आपको 30,000 to 50,000 के अराउंड मिल जाएंगे। एज यू ऑल नो, एचपी और डेल ने किसी टाइम पर लैपटॉप्स वाले मार्केट में एकदम उधम मचा रखा था। बट अगर अभी की बात करें तो यार, इस प्राइस सेगमेंट में डेल का लैपटॉप लेना यार मुझे थोड़ा सा वर्थ इट सा नहीं लगता है। उसका रीजन है टॉकिंग अबाउट डिजाइन, तो यार वही 4-5 साल पुराना मोटे बेजल वाला डिजाइन दे रखा है। टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, तो यार वहां भी इतना मजा नहीं आता, मतलब कुछ ओवर प्राइस सा लगता है लैपटॉप। टॉकिंग अबाउट डिस्प्ले, तो यार वहां भी इतना तगड़ा फील नहीं दे पाता है डेल के लैपटॉप्स का जो डिस्प्ले होता है। तो यार अगर ओवरऑल देखा जाए तो यार इनके लैपटॉप थोड़े से ओवर प्राइस रहते हैं। डिजाइन में थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हो कि 4-5 साल पुराना वही मोटे बजल वाला डिजाइन देते हैं लोग, भाई अब क्या किया जाए। तो यार जो भी मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन होगा बिल्कुल दिल से, वो दूंगा मैं वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो लास्ट तक देखना, मतलब डेल की जगह आप और कौन कौन से ब्रांड प्रेफर कर सकते हो और वही सब बात है। और एक बात, बेस्ट एचपी लैपटॉप अंडर 50,000 वाला भाई वीडियो आ चुका है, ऊपर मैंने दे दिया, जाके देख लेना। बट इस वीडियो के बाद ब्रो, तुझे नहीं लगता डेल लॉकडाउन में खा के मोटा हो गया? नहीं ब्रो, एक खानदानी मोटा है। ऐसा नहीं कि पहले पतला था फिर मोटा हो गया, नहीं, ये परंपरा ही चलती आ रही है डेल में। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब है। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। और ये वीडियो उन्हीं के लिए जो सिर्फ और सिर्फ डेल का लैपटॉप ही लेना चाहते हैं। सो पहला लैपटॉप है डेल वॉस्ट्रो 3401। इसमें आपको 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है विद एंटी ग्लेयर कोटिंग, और इसमें आपको i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, 4GB की रैम और साथ में 1TB की SSD दी गई है, और इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का सपोर्ट मिलता है। इसमें आपको बढ़िया बैकलेट कीबोर्ड मिल जाता है, जिससे अगर आप रात में काम करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अगर आप चाहते हो कि यार मेरे पास एक ऐसा लैपटॉप हो मैं अपना ऑफिस का काम भी कर लूं और बढ़िया मूवीज के मजे भी ले सकूं, तो यार ये लैपटॉप आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और डिजाइन की बात करें तो यार सीरियसली इसका डिजाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। वैसे एक काफी स्लीक लैपटॉप है और इसका प्राइस है कुछ 35,000 व्हिच इज गुड। सो नेक्स्ट लैपटॉप है डेल इंस्पिरॉन 3593। इसमें आपको 15 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है विद एंटी ग्लेयर कोटिंग, और इसमें आपको i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, 4GB इसकी रैम मिलती है, साथ में 1TB SSD प्लस 256GB SSD दी गई है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये पिछले वाले लैपटॉप का बड़ा भाई है, 15 इंचेस की इसमें स्क्रीन दी गई। और भाई स्टोरेज की बात करें तो भाई HP वाले ने थोड़ा अपना दिल खोल के दे दिया है, 1TB की SSD और 256GB की SSD दी गई है, मतलब बड़े माल मसाला तगड़े तरीके से आप इसमें स्टोर कर सकते हो। तो वही चीज है, ऑफिस ले जाना हो या फिर इस पे अपना कंटेंट एंजॉय करना हो, ये काफी बढ़िया लैपटॉप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40,000 rupees इसका प्राइस है। तो भाई जो भी लैपटॉप मैं अब आपको बताऊंगा उनमें सब में ग्राफिक्स कार्ड आता है, मतलब हल्के फुल्के गेम्स और सॉफ्टवेयर चलाने का जुगाड़ आपका मस्त तरीके से हो जाएगा। सो नेक्स्ट लैपटॉप है डेल वॉस्ट्रो 14 3000। इसमें आपको 14 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले दिया गया विद एंटी ग्लेयर कोटिंग, और इसमें आपको i5 8th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, 8GB की रैम और साथ में 1TB की SSD दी गई है, और ग्राफिक्स के लिए इसमें 2GB का AMD Radeon 520 ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहिए जो आपके हल्के फुल्के सॉफ्टवेयर और गेम बढ़िया से चला सके, तो यार ये आपके लिए काफी अच्छी डील रहेगी। इसकी प्राइसिंग है कुछ 44,000 rupees, विच इज ओके। सो नेक्स्ट लैपटॉप है डेल इंस्पिरॉन 3585। इसमें आपको 15 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले दिया गया विद एंटी ग्लेयर कोटिंग, और इसमें आपको Ryzen R5 2500U का प्रोसेसर मिलता है, 8GB की रैम और साथ में 512GB की SSD दी गई है, और ग्राफिक्स के लिए इसमें 2GB का AMD Radeon Vega 8 का ग्राफिक कार्ड दिया गया है। ये लैपटॉप ग्राफिक्स के मामले में थोड़ा सा बेटर है अगर हम कंपेयर करें पिछले वाले लैपटॉप से। और भाई परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई एकदम मक्खन, आप इस पे मिड लेवल के गेम्स और सॉफ्टवेयर बड़े आराम से चला सकते हो। इसकी प्राइसिंग है कुछ 51,000 rupees, बट अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो यार काफी सारी डील्स चल रही है अभी, तो हो सकता है आपको प्राइस कम भी पड़ जाए। सो नेक्स्ट लैपटॉप है इस लिस्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल लैपटॉप डेल इंस्पिरॉन 3583। इसमें आपको 15 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले दिया गया विद एंटी ग्लेयर कोटिंग, और इसमें आपको i5 8th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, 8GB की रैम और 1TB की SSD दी गई है, ग्राफिक्स के लिए इसमें आपको 2GB का AMD Vega Radeon 520 ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है। तो यार अगर आप स्टूडेंट हो, इस पे मिड लेवल गेमिंग करना चाहते हो या हल्के फुल्के सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो, तो भाई एकदम मस्त चलते हैं। परफॉर्मेंस भी इसकी काफी अच्छी है, और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि यार इसमें आप 256GB की SSD जरूर लगवा लेना, क्योंकि यार परफॉर्मेंस उससे काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। और इसकी प्राइसिंग है कुछ 54,000 rupees ऑन फ्लिपकार्ट, बट भाई फेस्टिव सीजन चल रहे हैं, ऑफलाइन ट्राई करना, हो सकता है बेटर डील्स मिल जाए और ये लैपटॉप आपको 50,000 के अराउंड मिल जाए। तो भाई ये बात हो गई सारे लैपटॉप्स के बारे में। अगर आपको डेल का लैपटॉप ही लेना हो तो आप इनमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हो। तो फाइनल बातचीत करी जाए तो यार डेल के लैपटॉप थोड़े से ओवर प्राइस्ड है, वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डेल से मुझे
बेटर डील मिलेगी इस बजट में तो भाई भूल जाओ। बट कुछ अच्छी नोट करने वाली चीज है जो डेल के लैपटॉप के साथ आपको मिलती है। सबसे पहले इनकी बिल्ड क्वालिटी जो होती है भाई वो और ब्रांड्स के कंपैरिजन में बहुत तगड़ी होती है। और ब्रांड वैल्यू और सर्विसिंग की बात करो तो यार पूछो मत, बहुत तगड़ी होती है। डेल के सर्विस सेंटर आपको छोटी से छोटी जगह मिल जाते हैं, तो यार आपको सर्विसिंग और इन सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट अगर आप बढ़िया डील वैल्यू फॉर मनी एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप एचपी एसर एसस की तरफ जा सकते हो। तो भाई यही था आज का वीडियो। मन में कोई शंका हो तो नीचे सेक्शन में या इंस्टा पे व्यक्त कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, हैव फन।